9 दिसंबर को झज्जर में होने वाले जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह का न्योता देने दिग्विजय चौटाला आज रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जननायक जनता पार्टी नाम के पौधे को लगाया गया था, अब वो पौधा जनता के सहयोग से वट वृक्ष बनने की ओर है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस के नेता दुष्यंत चौटाला द्वारा भाजपा से मिलने को गलत बता रहे हैं, लेकिन भाजपा और जजपा की सरकार ही प्रदेश का भला कर सकती है। जेजेपी पार्टी की मीटिंग थी जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने सबको निमंत्रण दिया, न्योता दिया। जो उत्साह, जो जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में हम सब में है, उम्मीद है कि सबसे नजदीक हमारा रेवाड़ी पड़ता है। रेवाड़ी से ऐतिहासिक उस सभा में, उस रैली में, उस विशाल जनसमूह में सम्मिलित होकर के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली बनाने का काम से करेगी। पीछे के जो 2 साल के काम हैं उनका जन जागरण होगा और अगले 3 साल के काम का एजेंडा सेट दुष्यंत जी करेंगे। हमारे इस इलाके के लिए भी, नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा उस दिन वहाँ से करने जा रहे हैं। तो मैं तो सबको निमंत्रण देने आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि रेवाड़ी उसके अंदर अपना सबसे बड़ा योगदान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के 4 जिलों में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं नांगल चौधरी में नारनौल जयपुर हाईवे पर लगा एचजी इंफ्रा प्लांट लगातार स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि जिसके प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारी प्लांट को नोटिस देकर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हम प्लांट गए थे आज और हमने इंस्पेक्शन कर ली उसकी, तो उस पर जो भी एक्शन बनता है हम इनिशिएट कर देंगे। देखिए वो तो अभी हम नोटिस सर्व करना है उनको, 15 दिन का नोटिस सर्व करेंगे हम, उसके बाद उनसे वो अपनी तरफ से जो भी हुए कागजात वो पेश करेंगे। ये प्राइवेट कंपनी का है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। टिकरी बॉर्डर से शुरू हुआ ये ट्रैक्टर मार्च 12 किलोमीटर में फैले किसान आंदोलन स्थल का चक्कर लगाकर वापस टिकरी बॉर्डर पहुंचा। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने एक बार फिर संदेश दिया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक किसानों को एमएसपी का कानून नहीं मिल जाता, देश भर में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं हो जाते और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा सरकार की ओर से नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ट्रैक्टर मार्च नकार रहे हैं कि लगभग साल तो ऊपर साडा जिहड़ा आंदोलन चल रहा है, साडे कैंपां दे विच बहुत वड्डी पद्धति ते जिहड़े किसान बैठे ने और उन्हां तक जी गल पहुँचाउणी हैगी कि जिहड़ी सरकार ने भावें 3 बिल साडे वापस ले लेना, सो बाकी जिहड़ियां साडियां भावें असीं लिखती चिट्ठी भेजी है 6 मंगां नेगियां, सो उन्हां दे विचों 6 मंगां दे विचों हाले जिहड़ियां बाकी दियां अधूरियां पईआं, असीं इह ताकत दिखाउणी चाहुंदे हां साडी केंद्र दी सरकार नूं कि किसान जदों दिल्ली दीआं बरूहां ते आए सी उदों भी हौंसले बुलंद सी ते साल तों पार हो चुक्या ते अज भी साडे किसानां दे हौंसले बुलंद। दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के 4 जिलों में एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जहां प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में है, तो वहीं बच्चों में रोष है। स्कूली छात्राओं को कहना है कि दूसरी बार प्रदूषण की वजह से उनके स्कूल बंद हुए, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और ऑनलाइन क्लासेज में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। मेहनत की थी 10वीं पास करने के लिए, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत नहीं भी की और जिन्होंने बहुत की उनका तो नुकसान हुआ ही, लेकिन इस बार हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा 12th का रिजल्ट भी खराब जाए, तो हम 11th में अपना बेस बना के पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे स्कूल की छुट्टियां ना पड़े। पॉल्यूशन है हमारे सेहत के लिए नुकसान है, हम ये जानते हैं, लेकिन अगर हमारी पूरी सुविधा के साथ हमें पढ़ाया जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, ना बच्चों का नुकसान होगा और ना किसी का, इसलिए हमें पूरी सुविधा के साथ स्कूल बुलाया जाए, हम यही कहेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि छुट्टियाँ ना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, नेटवर्क नहीं चलता, कभी वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मीटिंग, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि स्कूल में या पढ़ाई। शहर में तो पॉल्यूशन, हाँ वो तो होएगा, वो तो हमें अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। फरीदाबाद में आज नगर निगम की तरफ से बीके रोड और हार्डवेयर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानों के आगे बनाए गए पक्के प्लेटफार्म पर पीला पंजा चला, जिससे दुकानदार हताश नजर आए।
दुकानदारों का कहना था कि नगर निगम को कोई कब्जा लगता है तो वो सामान हटा सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है, लेकिन उन्होंने गाड़ियां खड़ी करने के लिए बनाए गए प्लेटफार्म तोड़ दिए हैं। जबकि शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, उन्हें ठीक करवाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। इन्हें तो बस नोट चाहिए जो अपनी जेबों में डाल सकें। सर देखो, कब्जे की बात है तो कब्जे के लिए आप चालान भेज सकते हैं, आप सामान हटवा सकते हैं, मगर जो रोड आप एक बार वीडियो दिखाइए इधर, ये देखिए पक्का फर्श डाला हुआ था, ये पूरा तोड़ा गया है। जो हार्डवे चौक पे दुकान रोडें बनी बड़ी हैं टूटी हुई, आज से 2 से 3 साल हो गए, कितने तो लोग मर गए हैं घटना के कारण, मगर वो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, सफाई नहीं करवा सकते ये, मगर जो चीज़ बनी हुई है उसको तोड़ गए। यहाँ गाड़ी पार्किंग होती थी, सारे काम होते थे, आप साथ में देखो यहाँ भी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। अब इसमें क्या कह सकते हैं हम, सरकार की निकामी तो है ही, कोई नया CM DM आता है, SDO आता है, भैया नए नए एक्शन ले आते हैं, इनकी जेब में नोट जाने चाहिए बस, और कोई काम नहीं इनका। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।